महिला पुलिस के साथ जाती इस महिला को देखिए। इस महिला का पति शराबी है और अपने पति की शराब पीने की लत से परेशान पत्नी को जब लगा कि शराबबंदी के बाद भी पति शराब नहीं छोड़ेंगे, तो आखिरकार महिला ने पति को जेल भेजने का फैसला कर लिया। पति जब शराब के नशे में टल्ली होकर घर पहुंचा तो पत्नी उसी समय पति को जेल भेजने के लिए थाना पहुंच गई और पुलिस वालों को पति के शराबी होने का कंप्लेन दिया। आपको बता दें कि बिहार में पिछले 5.5 साल से शराबबंदी है। यहाँ शराब रखना, पीना और शराब का व्यवसाय करना कानूनन जुर्म है। लिहाजा महिला ने जैसे ही कंप्लेन अपने पति के खिलाफ दिया कि तत्काल पुलिस की टीम महिला के साथ उसके घर पहुंच गई और उसके पति को हिरासत में ले लिया। महिला के पति की शराब की जब जांच कराई गई तो शराब पीने की पुष्टि हो गई और पत्नी के कंप्लेन पर पुलिस ने पति को जेल भेज दिया। मामला बिहार के हाजीपुर सदर थाना क्षेत्र के चंद्रालय का है। चंद्रालय के रहने वाली आरती राय ने अपने शराबी पति की शिकायत पुलिस से की थी। आरती पति के शराब की लत से नाराज थी। शराबबंदी वाले बिहार में महिला की शिकायत पर पुलिस भी तत्काल हरकत में आई और महिला के साथ आरोपी के घर पहुंच गई। महिला का पति शराब के नशे में मिला। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार किया। आरोप शराब की लत और शराब पीने का था, सो पुलिस ने जांच कराई और आरोपी को जेल भेज दिया। आरती राय का आरोपी पति राजकुमार राय हाजीपुर कोर्ट में एक वकील के साथ मुंशी का काम करता है। शराबबंदी के बाद भी रोजाना शराब पीता था। अब पत्नी ने शराबी पति को शराब के चक्कर में जेल भिजवा दिया है। बिहार में शराबबंदी के बीच लगातार शराब पीने और शराब के कारोबार को लेकर बवाल मचता रहता है। हाल के दिनों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शराबबंदी को कामयाब बनाने के लिए समाज में जागरूकता और लोगों से इस सामाजिक बुराई के खिलाफ आगे आने की अपील की, तो महिलाएं शराब के खिलाफ आगे आ गईं। इसी का नतीजा है कि एक शराबी पति को शराब छुड़वाने के लिए पत्नी ने जेल तक भिजवा दिया। क्यों आपकी वाइफ मतलब क्या कंप्लेन की है, क्यों की है? कुछ नहीं बोलना चाहता हूं। सर, शराब के मामले में पत्नी के द्वारा शिकायत किया गया था और जेल भेजा गया है एक शख्स को, क्या पूरा मामला क्या है सर? हाजीपुर सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत चंद्रालय गाँव में वहाँ पर एक व्यक्ति नशे की हालत में अपने घर पहुँचते हैं, उनकी पत्नी को नागवार लगता है। आजकल जो सरकार का अभियान चला हुआ है, पत्नी पुलिस में शिकायत करती है, उसके बाद वो गिरफ्तार होते हैं, प्राथमिकी अंकित की जाती है और उनको न शराब सेवन करने के केस में उनको न्यायालय में अग्रसर किया गया। वर्तमान लोग जागरूक हैं बिहार का और महिलाएं चाह रही हैं कि शराब बंद हो बिहार में, चाहे उनका पति ही क्यों न हो। अगर वो गलत कार्य करते हैं, सरकार के आदेश का खिलाफ करते हैं, तो लोग आगे बढ़ चढ़ के और इसको समाप्त कराने में, शराबबंदी लागू करने में हिस्सा ले रहे हैं, ये एक अच्छा संकेत है। बहरहाल शराब को लेकर पत्नी द्वारा अपने पति को जेल भिजवाने वाले इस मामले को महिलाओं का शराब की बुराई के खिलाफ जागरूकता से भी जोड़कर देखा जा रहा है। शायद यही वजह है कि हाजीपुर पुलिस भी महिला के इस साहसिक कदम की जमकर तारीफ करती दिख रही है। खुलासा के लिए हाजीपुर से विनय कुमार की ये खास रिपोर्ट।